एक्टर सुनील शेट्टी, जिन्होंने हमेशा से ही क्रिकेट से आगे बढ़कर हॉकी जैसे खेलों को भी सपोर्ट किया है, अब रेसलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। भारत के पहले प्रो रेसलिंग शो को प्रमोट करने के लिए सुनील आगे आए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय प्रोफेशनल रेसलिंग का एक कोलैबोरेशन है। सुनील का कहना है कि किसी भी खेल को मशहूर करने के लिए जरूरी है कि उसमें एक आइकॉन बनाया जाए, जिस तरह सचिन क्रिकेट के लिए हैं और संदीप सिंह हॉकी के लिए। My obsession is cricket. I always wanted to play for the country, but for me, any sport, you know, especially that it's a sport that is a grassroots sport. Just like I said earlier, I've gone for games where I've seen 1 lakh people come for a wrestling bout. You know, and that says a lot. Ki if you can, cricket doesn't pull that kind of crowd if Sachin Tendulkar is not there. You know, so what we need to do is, I think, create an icon in any sport like a Sachin, like today Sandeep. The world's number one drag flicker is for hockey. Likewise, if we can make sure that Zach or Khan or Anna, or one of them, Kumbak, can become that figure for children to go to, it would be fantastic. We have Kali, who's doing such a brilliant job being in India. इस दौरान सुनील का कहना है कि बच्चों को ये इवेंट बहुत पसंद आएगा। ये स्पॉट ही आप अगर देखेंगे टेलीविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपने घर में अगर देखेंगे कि कोई बच्चा है तो पूरा दिन वो रेसलिंग और WWE देख रहा है। और हमारा एक्सट्रीम प्रोफेशनल लीग भी कोशिश हमारा यही है यू नो कि हम उतना ही अच्छा करें। इंटरनेशनल स्टार्स हैं जो आने वाले हैं, तो आई एम श्योर ये बच्चों को अपने आप अट्रैक्ट करेगा। और जब बच्चे अट्रैक्ट होते हैं तो बुजुर्ग और माँ बाप भी अपने आप स्पोर्ट्स से जुड़े रहते हैं। सुनील ने ये भी बताया कि किस तरह वो बचपन में अपने दिन देसी रेसलर्स की रेसलिंग देखते हुए बिताते थे। स्पोर्ट पैशन है मेरे लिए और ऑब्सेशन कहूँगा मैं तो, वेदर इट्स क्रिकेट, हॉकी, आज रेसलिंग, यू नो, जिस स्पोर्ट के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। हर बार हर वीकेंड पे मैं मैच देखने जाता था, जैसे कि मैंने पहले कहा दारा सिंह जी का मैच देखने जाता था। तो आई थिंक बच्चे भी उतना ही एक्साइटेड है आज WWE। सुनील आखिरी बार 2011 में लूट और थैंक यू में नजर आए थे और फिलहाल वो चाय गरम और एनिमी की शूटिंग में व्यस्त हैं।